नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजनंदिनी शर्मा। रुक करते हैं आज की खास खबर का। उड़ीसा में ओलेग ज़ेरापत्र और धर्म संघ के महान नेता आचार्य महाश्रमण वर्तमान में अपनी अहिंसक यात्रा पर राजस्थान की यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने 2016 में दिल्ली के लाल किले से अहिंसक यात्रा शुरू की थी। वह वर्तमान में नेपाल, कुंगन, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश राज्यों के रास्ते राजस्थान जा रहे हैं। आपको बता दें कि आचार्य महाश्रमण तेरापंथ समाज के 11वें आचार्य हैं। वहीं कार्यक्रम का मुख्य आयोजन 5, 6 और 9 फरवरी को किया जाएगा। नाम है मुनि दिनेश कुमार। हम जैन मुनि हैं, भगवान महावीर हमारे भगवान हैं और जैनों में भी हम तेरापंथी हैं और हमारे गुरु आचार्य महाश्रमण जी हैं और हमारे गुरु के 5 नियम हैं, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य और परिचय। छठा व्रत है रात्रि भोजन निर्वाह। रात को भी हम भोजन ही करते हैं, हम पैदल चलते हैं, खुद का सामान खुद उठाते हैं, न हमारे को बैंक है, न बैलेंस है, न मठ है, न मंदिर है। 4 महीना चाकुमा के एक जगह रुकते हैं, 8 महीना गुरु आज्ञा से हम विचरण करते हैं। हमारा मुख्य जो उद्देश्य है वो है आत्म सुधार के साथ साथ समाज का सुधार। आत्म सुधार के साथ साथ समाज का सुधार और समाज सुधार के लिए हम अहिंसा यात्रा के जरिए 3 बातें बता रहे हैं, सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति। हमारी ये अवधारणा है, सबसे पहले हम मानव हैं, उसके बाद में हिंदू या मुसलमान। सबसे पहले हम इंसान हैं, बाद में हिंदू या मुसलमान हैं। कोई भी धर्म का हो, कोई भी वर्ग का हो, कोई भी परंपरा का हो, सब प्रेम से है, सौहार्द से है, आत्मीयता का भाव बना रहे। जितना सांप्रदायिक सौहार्द होगा उतना ही हमारा देश शक्ति संपन्न होगा, चरित्र संपन्न होगा और उस सामाजिक लोगों ने अपने साथ पूर्ति के लिए जो दंगा कराते हैं, जो हिंसा कराते हैं, वो कभी भी सुख और शांति को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। और जहाँ दंगा है, जहाँ ये समस्या आती है और फिर घर में कलह का वातावरण होता है, इसलिए सबसे पहले अहिंसा के विकास के लिए, जीवन अच्छा जीने के लिए सद्भावना, सद्भावना के तात्पर्य है हमारी भाव से भी, भावों में मलिनता नहीं आए, हमेशा सकारात्मक चिंतन से। देश और दुनिया की बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए टीपीवी न्यूज़।